और मैं तो बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ विस्तारा के भरोसे मत रहो, जो भी एयरलाइंस में, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे नॉन शेड्यूल हो, चाहे कोई भी एयरलाइंस में हो, अगर वैकेंसी आ रही है तो आप वहाँ अप्लाई करो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आप लोग सोच रहे हो यार ये तुम कहाँ वीडियो बना रहे हो, तो यार मैं अभी हूँ ट्रेन में और अभी मैं पहुँच चुका हूँ कटिहार जंक्शन। आपको मैं उतना ट्रेन का वीडियो दिखा नहीं रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं कल ही निकला था, यानी कि 31st को नाहरलगन से, यानी कि ईटानगर से निकला था मैं दिल्ली के लिए। अभी मैं कटिहार पहुँच चुका हूँ, क्योंकि अरुणाचल से जो भी ट्रेन चलती है वो बिहार होते हुए दिल्ली जाती है। तो मैं अभी कटिहार पहुँच चुका हूँ और अभी हूँ ट्रेन में, और क्योंकि जो मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ ये नाहरलगुन आनंद विहार और आनंद विहार नाहरलगुन है, तो ये नाहरलगुन स्टेशन से कल ही स्टार्ट हुआ, यानी कि 31st को ही इसका पहला ट्रेन था। तो ये पूरा ट्रेन खाली है, बट जहाँ मेरा सीट है यानी कि 3rd AC B11 वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ है, बट इसमें पूरा खाली है। तो आप देख सकते हो कोई नॉइज़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो सोचा कि यार मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 4 बातें जो हमेशा बोलना चाहता हूँ वो आज ही बोलता हूँ कि यार अगर आप चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि मैं एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड और भी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। और सेकंड, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट, जो भी है वो प्रेस ऑल पे क्लिक करो, आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए आप प्रेस ऑल पे क्लिक करो। और थर्ड, अगर आपसे कोई भी पैसे मांग रहा है एविएशन जॉब के नाम पे, चाहे वो एमी के नाम पे या पायलट के नाम पे या केबिन क्रू के नाम पे या ग्राउंड स्टाफ के नाम पे, तो आप उसको पैसे मत देना, क्योंकि एविएशन में जॉब के लिए पैसे नहीं लगता है। वो जो बंदा आपसे पैसा मांग रहा है वो फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉड ही है, तो इस चीज़ से आप बच के रहें। लास्ट चीज़ ये कि अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, तो आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं जब भी टाइम मिलता है मुझे तो मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, और संडे कमेंट सेक्शन में मैं वहीं से क्वेश्चन पिक करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। मैं तो आपको बताना भूल ही गया स्टार्टिंग में कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, यार बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था कि यार विस्तारा का क्या स्टेटस है, अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसका क्या स्टेटस है, कब तक वैकेंसी आ सकता है और कब तक नहीं आएगा। तो इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ, फ्रेशर्स के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है विस्तारा में, क्या वैकेंसी आ सकता है। तो मेरे पास जो अपडेट आया है, प्रीवियस अपडेट या जो आगे आने वाला अपडेट है उससे रिलेटेड, उसी को एज अ बेस मान के मैं आपसे बात करूंगा। तो विस्तारा जो है वो फ्रेशर्स नहीं लेती है, जो भी फ्रेशर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो विस्तारा फ्रेशर्स को नहीं लेती है। अगर आपके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी विस्तारा लेती है। तो यार विस्तारा में रिसेंट यानी कि 10 या 15 दिन पहले ही या 20 दिन पहले ही, मैं डेट बोल रहा हूँ, वैकेंसी आया था टेक्नीशियन के लिए, उसमें उन्होंने 1 साल का पेड एक्सपीरियंस मांगा था, 1 या 1.5 साल का पेड एक्सपीरियंस मांगा था, प्लस आपके पास मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आया हुआ था। तो इसी तरह से विस्तारा में एक चीज़ और है कि यार जब भी वैकेंसी आती है तो वो ओवरनाइट ख़त्म हो जाती है वैकेंसी। तो जैसे आज आई विस्तारा में वैकेंसी तो कल ख़त्म, साइट से उसको रिमूव कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत लोग अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं, और बहुत लोग जब सोचते हैं कि मैं कल करूंगा तो कल वो गायब हो जाता है वहाँ से। तो इसलिए आपको, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप रेगुलर विस्तारा के साइट पर विजिट करते रहो और आप एक्टिव रहो कि विस्तारा में कोई वैकेंसी निकलता है या नहीं निकलता है। वैसे तो टाइम टू टाइम वो वैकेंसीज निकालते रहती है, बट विस्तारा में सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोग को ही लेते हैं, तो रैंडम भी सिलेक्ट करते हैं, तो अगर आपका लक अच्छा है तो उसमें भी आपका हो सकता है। तो फ्रेशर्स अगर जो देख रहे हैं, जो जिनका अगर मान लो एक्सपीरियंस उसमें जो जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ 1 साल दिखा रहा है, बट फिर भी आप अप्लाई करके रखो। जो फ्रेशर्स हैं मैं उसका बात कर रहा हूँ, जो जिसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या कोई भी डिपार्टमेंट में अगर इंटरेस्ट है, ग्राउंड स्टाफ है, कहीं भी, तो आप अप्लाई करके रखो, हो सकता है कि आपका आ जाए। अगर विस्तारा का यही सीन है इंडस्ट्री में, और मैं तो बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ विस्तारा के भरोसे मत रहो, जो भी एयरलाइंस में, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे नॉन शेड्यूल हो, चाहे कोई भी एयरलाइंस में हो, अगर वैकेंसी आ रही है तो आप वहाँ अप्लाई करो। बहुत लोग होता है कि नहीं मैं बोइंग में ही काम करूँगा, मैं एयरबस में ही काम करूँगा, तो यार ऐसा नहीं होता है। आप जो भी एयरलाइंस में अगर वैकेंसी आ रहा है, अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो यार यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। वैसे तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, मैं सीधे अरुणाचल प्रदेश से, कल रात में मेरी ट्रेन थी 21:50 में, यानी कि 9:50 पे, तो नाहरलगुन से बहुत फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा था ये ट्रेन आफ्टर 1 ईयर, तो वहीं से मैं बोर्ड किया हूँ उस ट्रेन पे। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, डू डबल एन एस, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, जय हिंद।
आप सोच रहे हो यार ट्रेन में वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैं ट्रेन में वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, वो भी एयरलाइन से रिलेटेड वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो चलो